हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे वैक्स के हीटर ना हो तो हम कैसे अपने घर पर बिना वैक्स के हीटर से या फिर पार्लर में बिना वैक्स हीटर से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल वैक्स के लिए हमारे पास रिका वैक्स के लिए, एलोवेरा वैक्स के लिए, अगर हम अलग अलग हीटर अरेंज करने लगे तो हमें बहुत सारे हीटर की ज़रूरत पड़ती है, वैक्स हीटर की। तो वैक्स, अगर रिका वैक्स भी कस्टमर करवाते रहते हैं, एलोवेरा वैक्स भी करवाते रहते हैं, पर जो ब्राजीलियन वैक्स होती है और बीन्स वैक्स होती है जो हम फेस पर करते हैं, वो काफ़ी कम लोग करवाते हैं, या फिर काफ़ी दिनों बाद ऐसे क्लाइंट आते हैं जो वैक्स करवाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम एक अलग से हीटर उस चीज़ के लिए नहीं ले सकते, या फिर इतना हमारे पार्लर में स्पेस भी नहीं होता। तो ऐसे में हम घर पर जो हमारे पास सिंपल कटोरी अवेलेबल होती है, बस वो नीचे से क्रैक ना हो, जो फालतू होती हैं, या फिर एक दो एक्स्ट्रा कटोरी आप ले लें और उनका यूज़ कर सकते हैं। जो मटेरियल यूज़ करना है वो मैंने सामने शो कर दिया है, देखिए कैसे आप, जो ये हमारी ब्राजीलियन वैक्स है, हम गैस पर इसे रख लेंगे, बिल्कुल सिम फ्लेम पर रखना है आपने, ज़्यादा तेज़ गैस आँच पर नहीं रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज पर रखोगे तो आपकी जो वैक्स है वो जल जाएगी और अच्छे से वैक्स हो नहीं पाएगी। और इसको आपने बीच बीच में हिलाते रहना है प्रॉपर तरीके से, ताकि साइड से ये जल ना जाए। और इसमें आपने ये ध्यान देना है कि आपकी वैक्स ऊपर तक ना हो, क्योंकि ये वैक्स अगर कटोरी के बाहर लगी होती है या फिर वैक्स ओवरफ्लो हो जाता है तो ये एकदम से इसमें बर्निंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे पूरे प्रिकॉशन से ही गर्म करें और बीच बीच में हिलाते रहें, क्योंकि जैसे ही इसको हीट मिलती है तो ये जलती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना है कि आप इसके पास ही रहें, इसे अच्छे से गर्म कर लें, क्योंकि अगर अच्छे से गर्म करेंगे उसके बाद ही ये थोड़ी सी कम तासीर पर, जब हम पहले तो इसे गर्म करें, देख फिर उसके बाद इसे उस टेम्परेचर पर लेके आए जितना कि क्लाइंट बर्दाश्त कर सके। उसके बाद हम दूसरी वैक्स दिखा रहे हैं, यह भी मैंने एक कटोरी में पार्लर में ही रखी हुई है, क्योंकि अलग अलग हीटर लेने की वो नहीं रहती ज़रूरत ऐसे में। तो अब जैसे ये हमारी बीन वैक्स है, बीन वैक्स अपर लिप्स पे करवाने के लिए क्लाइंट आते रहते हैं, अगर हम इस कटोरी को हीटर में रख देते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 15-20 मिनट वेट करे, और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम 15-20 मिनट के लिए उस क्लाइंट को रोक के बिठा के रखे, जी अभी रुक जाओ, अभी आपका थोड़ी देर में करेंगे। तो ऐसे में ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। आप सिंपली इसमें गर्म कर लें गैस पे, और मैं इस टेक्निक को कम से कम 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, कभी भी मेरी वैक्स ख़राब नहीं हुई, और इस कटोरी में जो वैक्स बच जाती है आप उसे रीयूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोनों जो वैक्स है हमारी गर्म हो चुकी हैं, और जब भी आप काउंटर पे वैक्स को रखो तो नीचे कोई टिश्यू पेपर या अखबार लगा लो, अगर नहीं लगाओगे तो आपकी जो कटोरी के नीचे हल्की फुल्की वैक्स लगी है वो वहीं की वहीं चिपक जाएगी, और जिसे रिमूव करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार लग भी जाती है तो हम उतार लेते हैं, पर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है उसके लिए, इसलिए कि आप पहले से ही थोड़ा प्रिकॉशन ले लो कि कटोरियों की वैक्स उस पर ना लगे। देखिए वैक्स हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है, जितनी कि क्लाइंट की स्किन बर्दाश्त कर सके। तो आप देखिए कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास कोई क्लाइंट तो है नहीं कि इन दोनों वैक्स को कर सके, तो मैं अपने स्टूडेंट के हैंड पर वैक्स की एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ कि आपने कैसे इस वैक्स को यूज़ करना है। आप ध्यान दें कि जो इसमें स्पैचुला यूज़ किया है वो वुडन का है। वुडन का स्पैचुला यूज़ करने से ये होता है कि आप उसे एक बार यूज़ करके उसे फेंक दो, क्योंकि अगर आप इसी के अंदर छोड़ देते हो तो कई बार हार्ड वैक्स की वजह से आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वो उसके अंदर ही टूट जाएगा, और जो उसके कण हैं, जो उसकी लाइनिंग सी है, वो क्लाइंट को चुभेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि वुडन का स्पैचुला यूज़ करने के बाद फेंक देना है, अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मोटी ही होती है, और क्लाइंट से पूछ लें और इसे सूखने दें थोड़ी देर, ताकि अच्छे से हार्ड हो जाए, और नीचे से एप्लीकेशन थोड़ी मोटी रखें ताकि उसे आप अच्छे से पुल कर सको। और नॉर्मल क्लाइंट की स्किन है, सेंसिटिव नहीं है, तो एक ही बार में खींच दें। देखिए इनके काफ़ी सारे हेयर्स एक ही बार में निकल आए हैं। अब दूसरी जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो यूज़ कर रहे हैं बीन वैक्स। बीन वैक्स को भी यूज़ करने का सेम प्रोसीजर है,
आप इसकी एप्लीकेशन करें, जहाँ हेयर्स की जिस साइड डायरेक्शन है उस साइड एप्लीकेशन करें। इसकी एप्लीकेशन भी आपने थोड़ी थिक ही करनी है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा, और यह भी बालों को बहुत अच्छे से पुल कर लेती है। पर इसकी जो बालों को खींचने की क्षमता है ब्राजीलियन वैक्स से कम है, या फिर हेयर गेन की भी क्षमता ब्राजीलियन वैक्स से कम है। तो इसलिए इसमें यह है कि आप दोनों में से अगर आपको बेटर वैक्स करनी है तो आप ब्राजीलियन वैक्स करो, अगर आपको नॉर्मल पे जाना है तो आप इस वैक्स से वैक्स कर सकते हो। इससे भी प्रॉपर हेयर्स निकल जाते हैं, पर ब्राजीलियन वैक्स का रिज़ल्ट मैंने देखा है काफ़ी इस वैक्स से ज़्यादा आता है। पर इसको भी अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो इससे भी आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। अगर आप घर पर यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपके साथ कोई आपकी हेल्प करवाए, अपनी स्किन को कोई हार्म ना कर लें, एकदम से सोचें कि मैं खुद से कर लूँ। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपको पूरा इस चीज़ का तजुर्बा है कि आप यूज़ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका रिस्क ना ले। कोशिश करें कि आप पार्लर में जाकर करवाएं या फिर किसी एक्सपर्ट से ही इस वैक्स को करवाएं, खुद से इस वैक्स को यूज़ ना करें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठंडी होने के बाद आप वैक्स को अपनी ड्रॉर में ऐसे संभाल कर रख सकते हैं।